हम आपकी पोएम फोर इंग्लिश एनसीईआरटी मैरीगोल्ड। पोएम का नाम है आपका वाई, यूनिट फोर में है आपका। आई नो अ क्यूरियस लिटिल बॉय हु इज़ ऑलवेज आस्किंग वाई। तो यहाँ पर जो नैरेटर है वो पोएट है, जो क्या बोल रहा है कि मैं एक ऐसे लड़के को जानता हूँ कि जो बहुत उत्सुक रहता है, हु इज़ ऑलवेज आस्किंग वाई, जो हमेशा पूछता रहता है क्यों। वाई दिस, वाई दैट, वाई देन, वाई नाउ, वाई नॉट, वाई बाय द वाई। तो क्या क्या पूछता है, वाई दिस, ये क्यों है, वो क्यों है, वो जब क्यों है, ये अब क्यों है, ये क्यों नहीं है, ये किसके द्वारा है, मतलब ये क्यों क्यों है किसके द्वारा है। तो ये उसके दिमाग में क्वेश्चन आते ही रहते हैं। वाई ही वॉन्ट्स टू नो वाई वुड शुड स्विम, वाई लीड द मार्बल सिंक। तो वो क्या जानना चाहता है कि जो ये आपका वुड होता है, लकड़ी होता है, वो पानी में कैसे तैर लेता है, जबकि जो आपकी मार्बल मीन्स कंचा कंचा होता है आपका गोली, वो पानी में कैसे डूब जाती है। वाई सन शुड शाइन एंड विंड शुड ब्लो, कि जो सन है, सूरज है, वो कैसे चमकता है, ठीक है, क्यों चमकता है सूरज, और जो विंड है वो क्यों बहती है, ठीक है। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन आ रहा है उसके माइंड में। एंड वाई वी ईट एंड ड्रिंक, हम खाना क्यों खाते हैं और पानी क्यों पीते हैं ना। ही वॉन्ट्स टू नो वॉट मेक्स द क्लाउड, ठीक है। तो वो जानना चाहता है कि क्लाउड्स जो बादल हैं वो कैसे बनते हैं आपके। एंड वाई दे क्रॉस द स्काई, और वो जो है आसमान में कैसे एक दूसरे को क्रॉस करते हैं। वाई सिंक द सन बिहाइंड द हिल्स, और जो सन है सूरज है वो पहाड़ी के पीछे कैसे छिप जाता है। एंड वाई द फ्लावर्स डाई, और जो फ्लावर्स है फूल है वो क्यों मर जाते हैं। सम ऑफ दीज वाइज आर नॉट टू हार्ड टू आंसर इफ़ यू विल ट्राई, ठीक है। तो यहाँ पर जो कुछ इनमें से क्यों है, जो लड़के पूछ रहा है क्यों ये चीज़ें हैं, तो इनमें से कुछ क्यों का जवाब तो हम दे सकते हैं, ठीक है। ये हमारे लिए ज़्यादा हार्ड नहीं होगा। पर अदर्स नो वन एवर येट हैज़ फाउंड द रीज़न वाई, पर इसमें कुछ क्यों जो लड़के ने पूछे है ऐसे है जिसका हम जवाब कभी नहीं जान सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ेंगे यहाँ पर आपका न्यू वर्ड्स। द न्यू वर्ड्स है इसमें क्यूरियस, लीड, मार्बल, सिंक, रीज़न, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी जो है ये आपकी एक्सरसाइज ख़त्म हो चुकी है। थैंक यू।